गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है तुहाडा सब दा एक बार फिर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइल दे विच। किवें हो जी सारे? मैं उम्मीद करनी हां कि सारे वधिया होणगे और सब नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। सो जिन्हां ने हले तक अपने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया वो सबसक्राइब कर लैन, तो नाल ही ताकि तुहानूं जिहड़ियां है अपडेट्स मिलदियां रहन। लाइक शेयर जरूर कर देना अगर तुहानूं वीडियो पसंद आवे। तो जिवें कि तुहानूं पता ही है कि अज जिहड़ी हैगी अपनी मीटिंग सीगी सिक्ख्या मंत्री जी नाल, अपनी जिहड़ी यूनियन की मीटिंग हुई है 82/94 यूनियन की, जिहदे विच आपां एक मंग पत्र जिहड़ा हैगा दिता हैगा एजुकेशन मिनिस्टर नूं, उहदे बारे की गल्लां होईआं, की कुछ डिस्कशन हुई, आने वाले टाइम च की होना है उहदे बारे सारी गल करांगे, सिलैक्शन लिस्ट दा प्रोसैस सब कुछ। फिलहाल जो है अज की जिहड़ी मीटिंग है बहुत वधिया रही है, बाकी आपां नूं थोड़ा जिहा धीरज बना के रखना पवेगा क्योंकि सिलैक्शन लिस्ट है जिहड़ी उह 10-15 सितंबर तक आएगी, हजे नहीं आती। ये देखो जी, मैं पहला तो ही ये वाले थंबनेल बनाया हुआ से उहदे विच ही कि सपटेंबर विच प्रोसैस पूरा, तो यस सपटेंबर दे विच एजुकेशन मिनिस्टर जी तो यह पूछा गया कि सर सानू मतलब कि ज्वाइन करवाया जाए जल्दी तो जल्दी, सितंबर दे विच सानू ज्वाइनिंग दवा दी जाए, तो उन्होंने पूरा मतलब आए सुनी गल सारी यूनियन की, तो उन्होंने ये भी किया पूरा भरोसा दवाया कि असी भी चाहते हाँ कि मतलब साढ़े को भी टीचर्स की कमी है, तो वो टीचर्स मतलब आपदी सेवावान देन सितंबर दे विच, ता सितंबर दे विच जॉइनिंग का भरोसा दवाया है, तो अगर ये सितंबर अक्टूबर तक भी, चलो अक्टूबर के पहले हफ्ते तक भी अपनों जॉइनिंग करवा देंगे तो बहुत वड्डी गल है। बिकॉज मैं तुम्हें दस दी हाँ क्यों, क्योंकि देखो 10-15 सितंबर तक तो अपनियां लिस्टां आ सकते क्योंकि हजे बायोमैट्रिक वाले बुलाएंगे, उस तो बाद थोड़ा जिहा वेरीफिकेशन का काम हुंदा है, काम बहुत हुंदे आपां नूं सिर्फ घर बैठे एवें लगता भी काम नहीं हुंदा, डिपार्टमेंट्स काम बहुत फास्ट तरीके नाल चल रहे हैं। जिमें कि बलिहार बली जी ने कहा सीगा कि बायोमैट्रिक मिसमैच वाले भी बैठे ने हजे। मीटिंग विच की बनिया, मीटिंग विच यही गल्लां होईआं कि लिस्ट जिहड़ी है वो 3000 दी आएगी कि 99 दी, तां एजुकेशन मिनिस्टर ने सिर्फ यह किया कि देखो भर्ती रूल्स दे अकॉर्डिंग होएगी, भी रूल्स दे हिसाब नाल ही भर्ती होगी। दूसरी गल जी 66-35 दा मुद्दा, हुण मैं तुहानूं ये दस देना चाहनी हाँ कि उन्होंने ये भी किया कि 66-35 की बदली असीं करांगे, भी 66-35 वाले की बदली जरूर करांगे, उहदे वास्ते पोर्टल खोलांगे, पर सिर्फ उन्हां स्कूल्स दा खोलांगे जिथे एक सिंगल टीचर पढ़ा रहा है, जिथे ज़्यादा टीचर्स नहीं है तो उत्थे ट्रांसफर करांगे। तो हुण 66-35 कैंडीडेट्स ते अभी उन्होंने करवानी है या नहीं करवानी, ठीक है। दूसरी चीज़ स्टेशन चॉइस आपां कदों मिलू, देखो हुण 66-35 वेटिंग वाले भी बैठे ने, उन्हां दा भी क्या है कि सितंबर महीने दे विच वेटिंग वाले वाले दा काम होगा, तो कई लोग ये भी कहिंदे आ कि 99 डिले हो जाएगी। देखो जी 99 डिले नहीं हो सकती क्योंकि प्रोसैस है जिहड़ा फास्ट चलेगा, तो 10-15 सितंबर तो पहला 66-35 वेटिंग वाले नूं बुला लिया जाए, कुछ नहीं कह सकते इन्हां बारे, ठीक है। 99 की अगर मैं गल करा, स्टेशन चॉइस है जिहड़ी 10-15 सितंबर तो बाद अपनी स्टेशन चॉइस होगी। हुण पहला ट्रेनिंग होएगी है स्टेशन चॉइस, इहदे बारे दसना हजे मुश्किल है, वो हाल की घड़ी दे विच तां आपां नूं इन्ना ही पता है कि हजे अपनी लिस्टां कढ दैन, 10 तरीक तक भी कढ दैन तां बहुत वड्डी गल है, बिकॉज ऑलरेडी टाइम आपां नूं वेट करदे करदे बहुत टाइम हो चुक्या, होर टाइम आपां दे नहीं सकते, बिकॉज अगर आपां नूं ये भी पता होवे ना भी आपां एलीजिबल हाँ या नहीं हाँ, तो आपां नूं वेट करना भी सही लगता। हुण आपां सिर्फ DV करवा के आए हैं, तो हले किसी नूं भी नहीं पता कौन सिलेक्टेड है कौन नहीं, हाई मैरिट वाले तो चलो फिर भी आपदे आपनूं कह देंदे, पर हजे उन्हां नूं भी श्योरिटी नहीं है। सो सिलेक्टेड आवे, एलीजिबल आवे, कुछ भी आवे, आपदी आपदी ID च आवे, चाहे लिस्ट आ जाए, पर कुछ तो क्लीयर होवे ना, तो ये चीज़ आ। बाकी जो भी अपडेट आएगी तो तुहानूं शेयर की जाऊगी, ठीक है। सो ये अपडेट सी, सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।